गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नाइन्थ क्लास का, आज हम चैप्टर फर्स्ट मैटर यूनिवर्स सराउंडिंग का एक टॉपिक है इवेपोरेशन। आज हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ने चाहेंगे। तो इवेपोरेशन का जनरली आपको पता है कि कोई भी लिक्विड बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स अगर वो गैस स्टेट में चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आज हम ये भी देखेंगे इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। इट मींस इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट। और जब भी पार्टिकल इवेपोरेट होगा तो बिलो पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा और कूलिंग प्रोड्यूस होती है। फैक्टर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। नंबर एक सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड आपका फैक्टर है टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन फोर्थ फैक्टर ऐसा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो इवेपोरेशन का जो रेट है अगर हम देखा जाए इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें लिक्विड का तो हम बोलते हैं कि इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कपड़े हम क्या करते हैं, फैला कर सुखाते हैं। सेकंड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड लेस नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी कम गेन कर पाएंगे, वो कम इवेपोरेट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के साथ इवेपोरेशन का एक डायरेक्टली रिलेशन है। अगर इवेपोरेशन टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। तीसरा है विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड के साथ इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा जिस दिन हवा मौसम यानी हवा बहुत तेज चलती है, जिस दिन विंडी डे होता है उस दिन हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा विंडी डे नहीं होता उस दिन हमारे कपड़े बहुत धीरे सूखते हैं। तो क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। एंड फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी। इफ मॉइस्चर कंटेंट इज हाई देयर विल बी लेस इवेपोरेशन। इट मींस क्लोथ टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज द एयर इज वेरी ह्यूमिड। तो बच्चों आपको ये चारों फैक्टर्स आपको समझ में आए, ठीक है। आज हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, ये सब चीजें आज हमने जानी। थैंक यू।